भाई 15 साल के बाद सरकार बनी थी, चाहते तो सरकार को संभाल के रखा जा सकता था और भी आगे सरकार बन सकती थी, लेकिन सारी परिस्थितियां कोरबा के कांग्रेस के साथी वाली बात ही जानते हैं कि किन परिस्थितियों में कोरबा के कांग्रेस के साथ व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और आगामी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव है, हमारे साथी भाई दीपक बैंक जी लगातार प्रदेश में भी दौरा कर रहे हैं, रायपुर में भी बड़ी बड़ी बैठकें भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम लगातार वो जारी करते आ रहे हैं। अभी नगर निकाय के चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव होंगे, इसमें अभी बातें जो आ रही है कि भाई चुनाव आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है और उन्होंने 6 महीने का उसमें मंत्रिमंडल में पास कर दिया है, हमें को मिला कि जो निर्धारित चुनाव दिसंबर में होना चाहिए निगम का वो संभवनीय है, क्योंकि आपका नवंबर का महीना तो 22-23 तारीख है, तो अभी तक ना आपका इनका आरक्षण हुआ है, कौन किस जगह का कौन महापौर किस मतलब आपका जाति या किस वर्ग में जाएगा, ना ही पार्षदों का कुछ हुआ है, तो इस प्रकार से समय लगने की संभावना है, हमारे पास पूरा समय है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो लोग अभी अपने 1 साल के कार्यकाल में जो कि कोई उपलब्धि नहीं है, ना कोई उपलब्धि है, ना कोई उन्होंने काम किया है। कल अंबिकापुर हमारे जिला अध्यक्ष एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वापसी में आज कोरबा कांग्रेस कमेटी का शहर और ग्रामीण दोनों कांग्रेस कमेटी का बैठक रखा गया, साथ ही इसके साथ आज 2 बैठक है कोरबा और बिलासपुर में। आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर और ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर, दोनों तैयारियों को लेकर हम लोग जिला स्तर में जाकर तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, मेयर, तमाम लोगों से बैठकर, कार्यकर्ताओं से बैठकर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं ताकि आने वाला समय नगरीय निकाय का चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को कांग्रेस बढ़िया मजबूती के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ लड़े, इसके लिए हम लोग अभी से तैयारियाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर दिया है। इसी के तारतम्य में आज कोरबा में बैठक रखा गया है, इसके बाद अगला बैठक आज ही बिलासपुर में भी रखा गया है। 15 साल बाद प्रदेश में सत्ता में आई थी, कहाँ चूक हो गई और अभी नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव में किस तरह क्या? बिल्कुल, सत्ता में हमारी पार्टी थी 15 साल के बाद, कहाँ चूक हुई, क्या वो समीक्षा बैठक हो चुकी थी, लेकिन आने वाला समय में हम लोग नगरीय निकाय चुनाव जीतना है और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में किस तरह से हम रणनीति के साथ काम करें, उन रणनीतियों पर हमारी चर्चाएं हुई है और निश्चित रूप से वरिष्ठ नेताओं को और हमारे पूरे मेयर और तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि हम लोग बारीकी से बूथ स्तर से हम लोग काम कर सके और मजबूती देके हम लोग चुनाव जीत सके। क्या केदार कश्यप पिछले बार चुनाव नहीं आ रहे थे क्या? क्या केदार कश्यप अमृत भी कह रहे हैं क्या? एक बार उनसे पूछ लीजिए। देखिए चुनाव है, हार और जीत होते रहता है, उपचुनाव जीत लिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिए, भारतीय जनता पार्टी का सीट था, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, लेकिन क्या कोई भी उपचुनाव ज्यादातर सरकार के फेवर में जाता है? पिछले समय हमने भी तो 5 उपचुनाव जीते, उसमें से 1 भारतीय जनता पार्टी के जीते, दंतेवाड़ा सीट, केदार कश्यप जाके पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी सीट क्यों हारे, जो कि कांग्रेस के 2 सीट हम लोगों ने भी जीते, उस समय केदार कश्यप कहाँ गए थे? तो 34 साल का सीट था भारतीय जनता पार्टी का, 8 बार का विधायक थे कंटिन्यू, तो हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, एकता के साथ चुनाव लड़ी, हार जीत होते रहता है, लेकिन हम नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बेहतर तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है, ये 1 साल किसानों को पैसा देने के बाद दूसरी साल बुरी तरह से ये हांपने लगी है और देखते जाइए आप 6 महीने के अंदर में 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिए, आखिर ये पैसा कहाँ गया? सरकार का बजट कहाँ गया? गांव में 1 रुपए का काम नहीं है,
शहरों में एक रुपए का काम नहीं है, और उसके बाद 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज कहां गया, और ऊपर से मनपसंद छत्तीसगढ़ के जनता को मनपसंद ऐप लागू किया ताकि मनपसंद शराब पिला सके और गली गली पान ठेला में शराब बेच सके और उसका पैसा एक राजस्व के रूप में और अपने जेब में भर सके। जब किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, इस तरह से किसानों के लिए लगातार ये सरकार षड्यंत्र कर रही है और 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा ये सरकार करके आई थी, लेकिन आप समितियों में जाके आप देखेंगे कहीं तो 11 क्विंटल, कहीं तो 12 क्विंटल, कहीं तो 13 क्विंटल, कहीं तो 14 क्विंटल खरीदा जा रहा है। बहुत से समितियों में 21 क्विंटल खरीदा नहीं जा रहा है, और आप राशि भी चेक करेंगे उनके खातों में तो 2300 रुपए उनके खातों में राशि दिया जा रहा है, जबकि ये सरकार एक मुश्त 3100 रुपए राशि देने का इन्होंने वादा करके आए थे। इसलिए कांग्रेस इसका लगातार निगरानी कमेटी बनाकर चेक कर जांच कर रही है और किसानों के लिए निश्चित रूप से हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसमें देखिये 2023 के चुनाव पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, हमने साफ साफ कह दिया है कि उसकी समीक्षा हो चुकी है, दिल्ली में हमारी चर्चा हो चुकी है। क्योंकि कोरबा में ही 2 दिनों में 4 मौतें बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में है। आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक बरसात के सीजन में लोग डायरिया से मौतें होते रही, अब मलेरिया से मौतें हो रही है, तो कहीं ऑक्सीजन कमी से तो कहीं तो आंख फोड़वा कांड फिर से शुरू हो गई। मतलब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है और नकली गोली दवाइयां सप्लाई हो रही है और मंत्री और पूरे सरकार कमीशन कोरी में मस्त है, इसलिए सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर व्यवस्था हो चुकी है। देखिए क्या है, मैंने तो रामविचार नेताम जी को देखने भी गया था, अब ये घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, नहीं होनी चाहिए क्योंकि, लेकिन बाप इसके जिम्मेदार कौन है, क्या हो सकता है, मुझे तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं को, वीआईपी घटनाओं को और जनमानस की घटनाओं को भी रोकने के लिए सरकार को इसमें उचित पहल करना चाहिए। 45,000 महिलाएं फ्लोरम एक्ट चिट फंड के माध्यम से ठगी का शिकार हो गया, जिनके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया, और लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर बिल्कुल खामोश है। नहीं बिल्कुल, मुझे कोई इस पत्रकार साथियों ने यहाँ अवगत भी कराया था, बड़ा मामला है और मैं आपके मीडिया के और समाचार के माध्यम से मैंने देखा है, अगर इस तरह की कंपनियां अगर फर्जी काम की है और गड़बड़ियां की है तो निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी बनती है कि ऐसी कंपनियों और उनके मालिकों के ऊपर कार्रवाई करें, उनकी उनकी जमीनें, उनकी संपत्तियों को कुर्क करें, क्योंकि भोले भाले सीधे साधे ग्रामीणों को लूटने का काम अगर कोई कर रही है, इसके लिए बिल्कुल भी कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम लोग यहाँ के सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद जो भी आगे का रणनीति होगा उस पे हम लोग विचार करने के बाद आगे की रणनीति और काम करेंगे। बिल्कुल 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 सच्चाई है, आपका प्रश्न एकदम सच्चाई है। वर्तमान परिस्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, यहाँ प्रदेश में बिछड़ों का सुशासन नहीं बल्कि यहाँ पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है, अपराधी सरकार के संरक्षण में है। यहाँ आप तो बता रहे हो, यहाँ तो कोरबा बड़े बड़े शहरों में आप देखिए खुलेआम अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है, इसलिए कहीं तो लाठी डंडा लेके घुस रहे हैं, कभी गोलीबारी, दिन को पिस्टल चल रही है, चाकूबाजी चल रही है, कहीं तो ब्लेड से हत्याएं हो रही है, कहीं तो लूट हो रही है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आखिर कानून व्यवस्था संभालने का जवाबदारी किसका है, कौन संभालेगा, क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि कानून व्यवस्था भी दिल्ली से संभालना पड़ेगा क्या, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ आखिर कब कानून व्यवस्था संभलेगा। इस तरह से पूरे कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सीएम कह रहे हैं कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, आप बस्तर से आते हैं, क्या स्थिति है नक्सलवाद? देखिए नक्सलवाद पे अंतिम सांसें गिन रहे हैं ये कहना
मैं समझता हूँ सरकार के लिए बहुत जल्दबाजी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नक्सलवाद चाहते कि बस्तर, हम भी चाहते हैं बस्तर की जनता भी वहां शांति, लेकिन शांति के लिए एक शांति की तार पहल होना चाहिए, लेकिन इतना जल्दबाजी अगर अंतिम सांसें गिन रहे, मैं तो समझ रहा हूं सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस। सर बीजेपी ने ट्वीट किया है सर, उसमें कहा कांग्रेस में आपस में कलह मची हुई है, आपके महासमुंद कार्यक्रम में कांग्रेसी नाराज रहे हैं सर, बाकी कार्यक्रम में भीड़ कम आ रही है सर। देखिए कोई वहां तो 10,000 की गैदरिंग वाली कार्यक्रम तो थी नहीं, छोटी सी कार्यक्रम थी, गेम जोन था, 10 लाख का ओपनिंग का कार्यक्रम था, कोई वहाँ 100 करोड़ 200 करोड़ का भूमि पूजन थोड़ी करने गए थे। ठीक है, किन्हीं के पास समय है तो कार्यक्रम में आएंगे, किन्हीं के पास नहीं है, व्यस्तता है तो अपना काम करेंगे, लेकिन कहीं पे भी पार्टी में ऐसा स्थिति नहीं है। पूरे मेयर से लेके जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, तब बहुत से पार्षद और तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। ठीक है, कुछ कारणवश कोई नहीं आ पाए, ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यही उनको एक बार पूछ लीजिए आप कि 1 साल हो गए हैं, अभी तक 2 मंत्रिमंडल बाकी है, क्यों अभी तक गठन नहीं कर पाए, क्यों गठन नहीं कर पाए, क्या उनके यहाँ इतनी हर्षोल्लास है, इतनी खुशियां है, तो क्यों क्यों नहीं कर पाए, एक बार उनसे पूछ लीजिए, मेरा सवाल है, अभी तक क्यों नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी में इतना आपसी कलह है, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ से दिल्ली तक प्रतिस्पर्धा है, उसको अभी तक 2 मंत्रिमंडल नहीं बना पाने वाले लोग और हमसे सवाल कर रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह अभी तक चालू क्यों नहीं कर पाए, इसको लेकर के आपके खिलाफ में मुद्दा बनाए थे। देखिए सरकार के पास कोई काम है नहीं, हमारे पास उठान के माध्यम से बहुत से स्वरोजगार महिला समूह को हमारी सरकार ने दिया, इनके पास पैसा है ही नहीं, तो इनके पास आखिर महिला स्वतः समूह तो क्या काम देंगे, इसलिए महिला स्वतः समूह इनके पूरे प्रदेश में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है।